नरकटियागंज में आज से स्वच्छता की सेवा कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, जहां पोखरा मंदिर में ईओ सभापति उप सभापति के द्वारा स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में गुब्बारा छोड़ा गया। उसके बाद हरी झंडी दिखाकर स्वच्छता जागरूकता रैली को रवाना किया गया, जहां स्कूली बच्चों जीविका दीदी के साथ स्थानीय लोगों ने प्रभात फेरी निकालते हुए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। ईओ उपेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि नरकटियागंज नगर परिषद में आज से स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। यह जागरूकता रैली लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेगी। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम होगा, तो वही स्वच्छता के प्रति लोगों को शपथ भी दिलाया जाएगा। इसके साथ ही नगर को क्लीन और स्वच्छ बनाने की संदेश दिया गया। स्वच्छता ही सेवा हम लोगों का जो है मेन उद्देश्य है। इसमें हम नगरवासियों को कहना चाहेंगे कि नगरवासी भी इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग लें और अपने शहर को स्वच्छ रखें। जितने भी कचरा जाते हैं हमारे सफाई कर्मी जब साफ कर लेते हैं, उसके बाद जो है सड़क पे कचरा ना फेंके। मेरा सभी नगरवासियों से ये अपील रहेगा कि सड़कों पे जो है जब सफाई हो जाती है उसके बाद कचरा ना फेंके। साथ ही साथ मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि घर में जो कचरा रहता है, गीला कचरा और सूखा कचरा, वो अलग अलग करके नीले और ब्लू डस्टबिन में वो अवश्य दें, ताकि हम लोगों को भी सहूलियत रहे, उसका हम लोग जो है कंपोस्टिंग कर सकें और उसका जो है खाद तैयार कर सकें। और ये सभी नरकटियागंज विधानसभा के सभी जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि आज गांधी जी का सपना था स्वच्छ भारत के लिए, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपना है स्वच्छ भारत के लिए, हम सभी उसी कड़ी में आज प्रभात फेरी निकाले हुए थे और नरकटियागंज के सारे अच्छे लोग, सभी समझदार लोग, सब कोई अच्छे वार्ड नगर परिषद सब कोई निकले हुए। मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि आप लोग नगर परिषद और नरकटियागंज विधानसभा को सुंदर स्वच्छ बनाए, ताकि हम लोग स्वस्थ रह सके, बीमारी कोई नहीं हो। यह कचरा से की बदबू और इसकी महक से बहुत ज़्यादा बीमारी होती है, इसलिए हमारे मोदी जी के सपना को साकार हो। यही स्वागत करती हूँ। आज स्वच्छता अभियान निकाला गया है, उसी में जैसे मुझे विनती अपील करती हूँ कि स्वच्छता अभियान में नगर परिषद को सहयोग दे और कचरा इधर उधर नहीं फैलाए, गंदगी से भी बीमारी फैलेगी, इसलिए हम गंदगी को हटाएंगे तब बीमारी से मुक्त होंगे और स्वच्छ नगर। मैं संतोष राजपूत, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 13, वर्तमान उप सभापति प्रतिनिधि नगर परिषद नरकटियागंज की ओर से पूरे पत्रकार बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं और आपके माध्यम से भी पत्रकार बंधुओं के इस चैनल को विशेष रूप से चलाएं कि आसपास को सफाई रखने में शहर के लोग मदद करें, छत के ऊपर से कचरा मत फेंकें, आराम से कचरा को कचरा के डब्बा में फेंकें और सबका साथ सबका विकास, मोदी जी के सपना को साकार किया जाए, महात्मा गांधी के सपना को साकार किया जाए। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, बीमारी से बचना है सर, सफाई पर विशेष ध्यान रहे। सबसे पहले तो सर जो बोले हैं, हम लोग यहाँ जो सरकार अभियान चल रहा है, हम लोग पहले सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा, पहले हम लोग सुधरे, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी आता है गाड़ी वाला आता है कचरा, कचरा निकाल कचरा निकाल, हम लोग अपने घर को कचरा को घर में रखें और जब गाड़ी लेकर आता है उस पर हम डालें। इसके अलावा डस्टबिन पे रखा हुआ है उसमें भी हम लोग समय से डालें, क्योंकि हम लोग जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक समाज नहीं सुधरेगा। सबसे बड़ी बात ये भी है
क्योंकि देख रहे हैं अभी हम लोग आ रहे थे तो देख के छिलके बिक दिया था रोड पर, उसको नहीं रखना चाहिए, अपने घर में रखना चाहिए, वो डस्टबिन में डाले। अलावा आ रहा है कितना बढ़िया बोल रहा है, कचरा वाला कचरा निकाल आप उसी में डाल दीजिए। स्वच्छ भारत के तहत नरगढ़िया नगर परिषद के द्वारा निकाला गया स्वच्छता अभियान महात्मा गांधी के कर्मभूमि भितियारवा जो हमारे चंपारण के नरकटियागंज में अनुमंडलीय क्षेत्र में पड़ता है, उसी कर्म में नरकटियागंज नगर परिषद आता है, जो सपना गांधी जी ने देखे थे स्वच्छ भारत स्वच्छ रहे नगर नागरिक, इसी प्रावधान पर हम लोग स्वच्छता अभियान रैली निकाले हैं। कम से कम नागरिक जागरूकता के लिए लाया जाए, ताकि जो महिलाएं जो कचरा बाहर फेंकती हैं वो बाहर मत फेंकें, हमारे नगर परिषद के जो जितने भी डस्टबिन हैं, जो डस्टबिन मिला है उसमें कचरा दें रखें, नगर परिषद गाड़ी जाएगा उसमें कचरा वो में।